ओके सो हमने लास्ट क्लास में क्या शुरू किया था? लास्ट क्लास में हमने हमारे को आज़ादी ले ली थी, हमने आज़ादी ले ली है 1947 में. उसके बाद हमने देखा था कि 14th of August सेलिब्रेट किया जाता है एज इंडिपेंडेंस डे फॉर पाकिस्तान, और 15 अगस्त इज इंडिपेंडेंस डे हमारा. ठीक है, नाउ अब उसके बाद हमने किया था आपका सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट, और आज हमारा लास्ट क्लास रहेगा. आज हम सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स पढ़ेंगे और फिर आपका जो है थोड़ा सा इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, और क्योंकि अभी अगर आपने न्यूज़ फॉलो किया होगा तो जो आपके रिपब्लिक डे की जो सेलिब्रेशन होती है वो 23rd से शुरू हो रही है. क्यों? ताकि उसमें सुभाष चंद्र बोस का भी बर्थडे आ जाए. ठीक है, ऑलराइट, चलो. बर्थडे मतलब बर्थ एनिवर्सरी. ठीक है, सो आई टोल्ड यू कि देर आर टू टाइप ऑफ मूवमेंट्स, दैट इज रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट एंड रेवोल्यूशनिस्ट मूवमेंट. राइट, रेवोल्यूशनिस्ट क्या होता है? जब यू हैव टू चेंज समथिंग, जब कुछ चेंज करना होता है, दैट इज रेवोल्यूशनिस्ट. और जब हम रिवाइवलिस्ट की बात करते हैं, इट मीन्स कि हमारा जो कल्चर है वो बहुत ज़बरदस्त है एंड उसी के ही बेसिस पे हमने उसको रिवाइव करना है, उसको वापस से जानना है कि क्या चीज़ें होती है और उसको अच्छे से समझना है. सो उसमें चेंज करने की जरूरत, जबकि जो आपका रिफॉर्मिस्ट है वो बात करता है, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स बात करते हैं आपके चेंज की, और रिवाइवलिस्ट मूवमेंट बात करते हैं देर इज नो चेंज रिक्वायर्ड. हमको क्या करना है? हमको अपनी पुरानी चीज़ों को ही वापस पढ़ना है, जैसे कि आपका गो बैक टू वेदास. वो सब क्या है? वो सब आपके रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स है. ठीक है, सो हमने लास्ट किया था आपका ब्रह्मो समाज, और ब्रह्मो समाज में आई टोल्ड यू कि कौन थे आपके राजा राम मोहन रॉय, हु गेव द टाइटल ऑफ राजा टू राम मोहन रॉय, दैट इज अकबर सेकेंड. इसके अलावा हमने पढ़ा था कि इन्होंने 1815 में यहाँ पे 1815, ये का आपको मैंने करेक्शन करवाया था, 1815 में इन्होंने आत्मिया सभा बनाई, ये सभा है. ठीक है, और उसके बाद इन्होंने 1828 में क्या बनाया था? इन्होंने बनाया था आपका ब्रह्मो समाज, और ये सभा या समाज कहाँ पे था? इट वॉज एट बंगाल ऑफकोर्स. ठीक है, और उसके बाद ये जो है ये पूरा फोकस करता था विमेन एजुकेशन के ऊपर, विमेन राइट्स के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, राइट्स के ऊपर, आपकी मैरिज के ऊपर बात करता था, आपके विडो रीमैरिज के बारे में बात करता था. लेकिन जो प्राइमरीली जिसकी वजह से ब्रह्मो समाज जो इतना ज़्यादा फेमस हुआ था, दैट इज़ फॉर सती. सो इन्होंने 1828 में बनाया सभा, और 1829 में एंटी सती लॉ जो है वो पास हो गया था. पेपर में पूछा जाता है कि हु वॉज द वाइस रॉय. अब हाउ एवर इस टाइम पे वाइस रॉय तो होंगे नहीं, गवर्नर जनरल होंगे. तो याद रखिएगा, जिस गवर्नर जनरल के अंडर ये लॉ पास किया गया था, दैट इज विलियम बेंटिक. सो इसको लिख लीजिए, विलियम बेंटिक. ये 2018 के इसका क्वेश्चन है. ठीक है, सो विलियम बेंटिक के अंडर जो है एंटी सती लॉ जो है वो पास किया गया था, और ये किस में बिलीव करते थे? ही बिलीव्ड इन मोनोथिज्म. इसके अलावा इन्होंने डेविड हेरे जो इनके दोस्त थे उनकी मदद से इन्होंने हिंदू कॉलेज बनाया था इन 1817, और कहाँ बनाया था? कैलकटा में बनाया था. इसके अलावा इन्होंने 1825 में वेदांता कॉलेज की शुरुआत भी की थी, और इसके में क्या करते थे? ये वेस्टर्न एंड इंडियन लैंग्वेजेस में जो है एजुकेशन प्रोवाइड करते थे. इसके अलावा ये ऑर्थोडॉक्सी के भी खिलाफ थे. ये बिलीव करते थे कि ऑर्थोडॉक्सी नहीं होना चाहिए, सबको जो है पढ़ने का हक है, और सिर्फ ब्राह्मण्स क्यों पढ़े. सो ये बात करते थे कि एजुकेशन इज़ फॉर एवरीबडी, और ये बात करते थे कि बोथ वेस्टर्न और इंडियन लैंग्वेजेस में ही पढ़ना चाहिए. इसके अलावा ही वॉज अ पॉलीग्लॉट. आई टोल्ड यू पॉलीग्लॉट थे, इनको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी. इनके द्वारा कुछ ज़बरदस्त जो किताबें लिखी गई हैं, दैट इज़ अ गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट, एक बहुत खूबसूरत किताब जो इनके बारे में लिखी गई, इन्होंने लिखी है. ठीक है, ओके. अब आई टोल्ड यू दैट देवेंद्रनाथ टैगोर, हु वॉज द फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने समाज को ज्वाइन किया 1842 में. इससे पहले जिसमें ये काम कर रहे थे, या जो इनकी सभा थी, दैट इज तत्वबोधिनी सभा. सो तत्वबोधिनी सभा जो उन्होंने 1839 में बनाई थी, किसने बनाई थी? आपके देवेंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी. उसके बाद जब 1833 में आपके राजा राम मोहन रॉय की डेथ हो जाती है, फिर देवेंद्रनाथ टैगोर जो है वो ब्रह्मो समाज को ज्वाइन कर लेते हैं 1842 में. 1856 में आपके केशव चंद्र सेन जो है वो इसको ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन 1865 में ही केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के बीच में आइडियोलॉजीज का जो है क्लैश हो जाता है, और केशव चंद्र सेन को आचार्य की पोस्ट से निकाल दिया जाता है.
ठीक है, एंड आई टोल्ड यू पूरी कहानी आपको बताई थी कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ठीक है। और फिर जो आपके केशव चंद्र सेन है वो बना देते हैं आपका साधारण ब्रह्मो समाज, और जो आपके देवेंद्र नाथ टैगोर है वो क्या बना देते हैं आपका आदि ब्रह्मो समाज, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट अप वी हैव इज द यंग बंगाल मूवमेंट। ओके, एक पॉइंट आप राजा राम मोहन रॉय में ऐड कर लीजिए, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिखिए इन 1821, ये किसका बता रही हूं मैं, राजा राम मोहन रॉय का ही बता रही हूं, ठीक है। सो इन 1821 ही स्टार्टेड अ बंगाली वीकली, ही स्टार्टेड अ बंगाली वीकली नेम्ड संवद कौमुदी, कौमुदी, ठीक है। सो ही स्टार्टेड अ बंगाली वीकली नोन एज संवद कौमुदी। कब स्टार्ट किया था इन्होंने, 1821 में किया था। अब व्हाट इज ग्रेट अबाउट दिस इज कि याद रखिएगा, ये एक पहला ऐसा वीकली था जो पब्लिश, एडिट और लिखा तीनों चीजें जाती थी एक इंडियन के द्वारा। सो याद रखिएगा, ये जो संवद कौमुदी है इसका ये रेलिवेंस है, ठीक है। ओके, या ठीक है, ये चीजें लिख, हाँ एक और चीज याद रखिएगा, जो आपके राजा राम मोहन रॉय थे उन्होंने नंबर ऑफ ट्रांसलेशंस भी किए, जैसे कि इन्होंने वेदास को ट्रांसलेट किया है बंगाली में। सो आपको अगर पूछा जाए कि हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड वेदास टू बंगाली, हु इज ही, ही इज राजा राम मोहन रॉय, एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस, फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस, ठीक है। So, ये कुछ एडिशनल पॉइंट्स है राजा राम मोहन रॉय के बारे में जो आप लिख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है बंगाली वीकली, दैट इज संवद कौमुदी, ही ट्रांसलेटेड वेदास टू बंगाली एंड ही इज आल्सो रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस, ठीक है जी। ऑल राइट, अब हम आगे पढ़ेंगे आपके यंग बंगाल मूवमेंट में। सो 1820 में और 1830s के अराउंड यहाँ पे एक एंग्लो इंडियन थे, दैट इज हेनरी विवियन डेरोजियो। सो कौन थे, हेनरी विवियन डेरोजियो, जिन्होंने, जो बेसिकली एक टीचर थे, एक प्रोफेसर थे आपके हिंदू कॉलेज में एट कैलकटा, और वहाँ पर ये क्या करते थे, ये बच्चों को जो इनके पास पढ़ने आते थे उनको बोलते थे कि आप क्या करो, आप डिबेट करो, आप आर्ग्यू करो। आर्ग्यू किस चीज़ के बारे में करो, वुमेन राइट्स के बारे में आर्ग्यू करो कि अगर आपको पढ़ने का हक है तो आपकी बहनों को पढ़ने का हक क्यों नहीं है, ठीक है। जिसके चलते जो इनके पेरेंट्स थे, बच्चों के पेरेंट्स थे, वो सब इनके वर नॉट हैप्पी विद हिम, क्योंकि वो कहते थे कि आप किस तरीके की इनको चीज़ें पढ़ा रहे हो, ये हमारे कल्चर का पार्ट नहीं है। फिर इनको जो है प्रोफेसर किया, टीचर से इनको बाहर निकाल दिया गया, और बहुत यंग एज में, कोई 21-22 साल के ही थे ये, कि इनकी डेथ हो जाती है। सो 17-18 ईयर्स की उम्र में इन्होंने टीचर बने थे ये, और 22 साल की उम्र में ही इनकी डेथ होगी। तो बहुत कम पीरियड ऑफ टाइम में जो है इनका रहा था, मतलब ये फेमस तो क्या रहे थे, पर इन्होंने ये मूवमेंट को चलाया था। नाउ बेसिकली इनके बारे में जो सबसे हटके चीज़ है वो ये है कि इनके जो लिखते थे ना ये, क्योंकि इनको फर्स्ट मॉडर्न पोएट कहते थे, आई मेक यू राइट दैट, ये इतना खूबसूरत लिखते थे कि इनकी कोई भी किताब पढ़ने से ही बच्चों को जोश आता था। सो इसीलिए, इस कारण के लिए आप लिख लीजिए, ही इज रिगार्डेड एज द first nationalist poet, he is regarded as the first nationalist poet of modern India. So he is regarded as the first nationalist poet of modern India, who Henry Vivian Derozio, और जो इनके followers थे, they were known as Derozians, ठीक है जी। तो इनके फॉलोअर्स वर नोन एज डेरोजियंस, और इनको रिगार्ड किया जाता था एज द फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट ऑफ आपके मॉडर्न इंडिया। वाई, क्योंकि इनके लिखने में बहुत ताकत थी, और बच्चे जब इनकी पोएट्रीज या इनके जर्नल्स पढ़ते थे, पीपल यूज टू गेट वेरी मोटिवेटेड, ठीक है। ऑल राइट,
नेक्स्ट अप वी हैव इज द आर्य समाज, जो हमारा आज का पहला टॉपिक रहे, क्योंकि हमने जो बाकी के दो थे हमने कवर कर लिए थे। क्यों, एक बच्चे ने पूछा भी था कि कौन से टाइम पे केशव चंद्र सेन जो है उन्होंने छोड़ दिया था ब्रह्मो समाज, तो इसलिए मैंने वो ऐड किया है। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट अप वी हैव इज आर्य समाज। पहली बात तो आर्य समाज ही किसने बनाया, आर्य समाज वॉज फॉर्म्ड बाय दयानंद सरस्वती एट बॉम्बे। सो याद रखिएगा, आर्य समाज वॉज फॉर्म्ड बाय दयानंद सरस्वती एट बॉम्बे। ठीक, ऑल राइट, आई मेक यू राइट फ्यू पॉइंट्स अबाउट दिस। हाँ, लिखो, जैसे जहां पे आपने ये बॉम्बे लिखा है ना, याद रखिएगा पहले इसका हेडक्वार्टर्स वर नॉट एट बॉम्बे, पहले इसका हेडक्वार्टर्स वर एट लाहौर। सो आपको पूछ सकते हैं कि आर्य समाज का पहले, बॉम्बे से पहले जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ था। सो इनिशियली द हेडक्वार्टर्स वर एट लाहौर एंड लेटर ऑन दे वर बीन शिफ्टेड इन बॉम्बे। और ये कब बना था, ये आपका 1875 में बना था। ये बेसिकली क्या था, एक तरीके की शुद्धि मूवमेंट थी। क्या थी, शुद्धि मूवमेंट, शुद्धि मूवमेंट। ठीक है, सो अगर आपको पूछा जाए कि शुद्धि मूवमेंट किसके साथ रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू योर आर्य समाज। नाउ दिस आर्य समाज इज नॉट अ रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, इट इज अ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। व्हाई, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट कि अगर आपको असली में कुछ करना है, इफ यू रियली वॉन्ट टू नो द पर्पज ऑफ योर लाइफ, हाउ द कंडक्ट, यू नो योर कोड ऑफ कंडक्ट शुड बी, सो यू हैव टू गो बैक टू वेदास, कि वेदास को जाकर पढ़ो कि वो क्या कहते हैं। ठीक है, सो क्या है ये, लिख यहाँ पे लिखा भी है, गो बैक टू वेदास। तो इन्होंने स्लोगन दिया था गो बैक टू वेदास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दयानंद सरस्वती का एक्चुअल नेम क्या था। सो इनका जो असली नाम था दैट वॉज मूल शंकर, कहीं कहीं पे एम यू एल भी लिखा होता है। सो मूल शंकर या एम ओ ओ एल शंकर, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, नाउ दिस ये जो आपका ये है आर्य समाज है, दे वर अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, ये कास्ट में बिलीव नहीं करते थे, बट येस दे बिलीव्ड इन वर्ण सिस्टम। ठीक है, ये वर्ण सिस्टम में बिलीव करते थे, लेकिन कास्ट सिस्टम को कंडेम करते थे कि ये कास्ट वगैरह कुछ नहीं होती। बट येस, वर्ण तो है कि ब्राह्मण्स हैं, क्षत्रियाज हैं, ये सब हैं, लेकिन कास्ट वगैरह कुछ नहीं होती। ठीक है, अब याद रखिएगा इनके द्वारा क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो पब्लिश किया गया था। नंबर वन इज सत्य प्रकाश। सो पहला आ गया आपका सत्य प्रकाश, नेक्स्ट इज वेद भाषा एंड भाष्य भूमिका। सो सत्य प्रकाश, वेद भाषा एंड भाषा भूमिका वर द थ्री इंपॉर्टेंट फेमस वर्क्स ऑफ योर दयानंद सरस्वती। ठीक है, इसके अलावा ही अटैक्ड हिंदू ऑर्थोडॉक्सी, ये उसके खिलाफ थे, कास्ट रिजिडिटी के खिलाफ थे कि कास्ट वगैरह कुछ नहीं होती, अनटचेबिलिटी के खिलाफ थे कि अनटचेबिलिटी हमको प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, पॉलीथिज्म के खिलाफ थे कि इतने देवी, यू नो, करोड़ों देवी देवताओं को मानने की ज़रूरत नहीं है, और इसी के साथ ही वॉज अगेंस्ट एनिमल सैक्रिफाइस। तो ये सब चीज़ों के ये खिलाफ थे। नाउ व्हाट डिड ही स्टार्ट, ही स्टार्टेड द शुद्धि मूवमेंट, दैट इज व्हाट, कि वो लोग जो क्रिश्चियन मिशनरीज की वजह से, जो यू नो क्रिश्चियन या इस्लाम में जो कन्वर्ट हो चुके हैं बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ दिस ऑर्थोडॉक्सी, सो वी नीड टू गेट बैक, वी नीड टू कन्वर्ट देम बैक टू हिंदूज। सो रीकन्वर्ट द हिंदूज हु वर कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। देखो, इस्लाम तो चलो हम मान लेते हैं, लेकिन ये जो क्रिश्चियनिटी वाले हैं ना, इन्होंने तो बहुत ही यू नो मिशनरीज यहाँ भेजे थे, और पर्पजली जो आपके ट्राइबल्स थे, जो आपके फॉरेस्ट में लोग रहते थे, फिर आपके जो बिल्कुल ही अनटचेबल्स थे, उनको तो इन सब ने जो है कन्वर्ट करना शुरू कर दिया था। सो क्रिश्चियन मिशनरीज ने सबसे ज़्यादा इस टाइम पर जो है मौके का फ़ायदा उठाया था, जब हमारे यहाँ पे हिंदूज ऑर्थोडॉक्सी जो अपने चरम सीमा पे थी। ठीक है, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ही ओपन्ड और ही एस्टैब्लिश्ड दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, DAV। द क्वेश्चन इज कि कहाँ इस्टैब्लिश किया, तो इन्होंने इस्टैब्लिश किया था एट लाहौर इन 1886। तो इन्होंने लाहौर में 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी। नाउ इसके अलावा स्वामी श्रद्धानंद,
who was a member of Arya Samaj, opened Gurukuls in 1900 at गुजरावाला, दैट इज वेस्ट पाकिस्तान. सो आप इतना याद रखें कि स्वामी श्रद्धानंद जो हैं उन्होंने भी गुरुकुल्स बनाए थे. नाउ बेसिकली हुआ क्या था, जो आपका आर्य समाज है ना, वो दो स्कूल्स में बट गया था. ठीक है, एक स्कूल कहता था कि जो हम काम करें दैट इज ओके, बट एक स्कूल कहता था कि हमको क्या करना है, मीट मच्छी छोड़ना है, हमको इंटॉक्सिकेंट्स नहीं करने हैं. सो दीज वर बेसिकली टू स्कूल्स. ये जो बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्कूल था ना, जो यू नो बिल्कुल स्ट्रिक्ट था अपनी चीज़ों को लेके, उसके जो हेड थे दैट वॉज स्वामी श्रद्धानंद, और उन्होंने तभी जो है गुरुकुल्स की शुरुआत की थी, ताकि इन गुरुकुल्स में, गुरुकुल क्यों, जहाँ बच्चे आके पढ़ते हैं गुरु से, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पे आके बच्चे पढ़ेंगे और उनको बताएंगे कि कैसे आपके वेदास को पढ़ के यू हैव टू कंडक्ट योर लाइफ. ठीक है, ऑल राइट. नेक्स्ट अप वी हैव इज द रामाकृष्ण मिशन, दैट इज 1897. नाउ ये जो 1897 है, ये बेसिकली तब आपके लाइमलाइट में आया था जब आपके स्वामी ये जो है विवेकानंद ने इसको ज्वाइन किया था. बेसिकली ये जो रामाकृष्ण मिशन है, इट वॉज स्टार्टेड बाय रामकृष्ण परमहंसा. सो किसने ये स्टार्ट किया था, इट वॉज स्टार्टेड बाय रामकृष्ण परमहंसा. ठीक है, हंसा, इन्होंने जो है रामकृष्ण मिशन को शुरू किया था. लेकिन इन आपका 1897 में जो आपके ये है ना रामकृष्ण परमहंसा, ये बेसिकली काली टेंपल के प्रीस्ट थे और स्वामी विवेकानंद के एक तरीके के गुरु थे. ठीक है, सो लेटर ऑन जब ये लिखा है आपका, या here you see this 11 years of death. So आप कर लीजिए, जो ये 1897 है, ये हम उस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं जब इसको स्वामी विवेकानंद ने रिवाइव किया था. सो 11 साल पहले ही आपका रामकृष्ण मिशन शुरू हो गया था बाय रामकृष्ण परमहंसा, जो बेसिकली एक प्रीस्ट थे आपके काली टेंपल के और गुरु थे आपके स्वामी विवेकानंद के. और 1897 में जब स्वामी विवेकानंद ने इसको ज्वाइन किया, फिर ये वापस जो है रिवाइव हो गया. स्वामी विवेकानंद के बारे में दो सबसे जरूरी बातें. नंबर वन इज इनका एक्चुअल नेम क्या था, इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त. सो याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल नेम वॉज नरेंद्र नाथ दत्त. और सबसे इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 1893 में, कब 1893 में ये गए थे आपके पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन. सो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में ये गए थे और वहाँ पे जाके इन्होंने हिंदुइज्म के ऊपर इतनी ज़बरदस्त स्पीच दी थी कि जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे दे ऑल गॉट अप फ्रॉम देयर सीट्स. तो कब गए थे, 1893 में गए थे. और कहाँ हुआ था वो पार्लियामेंट, वो हुआ था आपका शिकागो, दैट इज USA. ठीक है, इसी के ही साथ इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने लिखा प्रबुद्धा भारत इन इंग्लिश, इन इंग्लिश. एंड इन्होंने लिखा आपका, सो पहली याद रखिएगा प्रबुद्धा ये किस में था, ये लैंग्वेज थी आपकी इंग्लिश, और दूसरा जो था वो था उद्बोधना, वो लिखा था इन्होंने बंगाली में. सो आप ये भी याद रख सकते हैं कि ये दो चीज़ें किसके द्वारा लिखी गई थी. एंड ऑफकोर्स जब भी हम कोई चीज़ लिखने की बात करते इन विच लैंग्वेज लिखा गया था, वो भी आप याद रखिएगा. ठीक है, ऑल राइट. नेक्स्ट अप वी हैव इज द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, दैट इज बाय गोपाल कृष्ण गोखले. नाउ गोपाल कृष्ण गोखले की सबसे पहली बात क्या है, कि गोपाल कृष्ण गोखले वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी. पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी. ठीक है, पहली चीज. दूसरी चीज ये है कि इन्होंने क्या स्टार्ट किया, इन्होंने स्टार्ट किया सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी. नाउ बेसिकली ये जो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी क्या है, इसका एजेंडा क्या था, ये बना था बेसिकली ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि सोसाइटी को ट्रेन करो. ट्रेन क्या है, कि हम बेसिकली वी इंडियंस आर हैव टू बी इन द सर्विस ऑफ इंडिया. कि हम इंडियंस का मेन पर्पस क्या है, कि हमको इंडिया के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करना है. सो दिस वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी विच वाज स्टार्टेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले. ठीक है, ओके. अब इनके द्वारा क्या पब्लिश किया गया था, नंबर वन इज
हितावदा, सो हितावदा या हितवादी वाज पब्लिश्ड बाय वाज पब्लिश्ड बाय देम टू प्रोपोगेट व्हाट इंडियंस ऑफ सोसाइटी, कि यहाँ पे वो बताते थे कि किस तरीके से आपको जो है सर्विस प्रोवाइड करनी है इंडिया के लिए. इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट नाम जो इनके साथ जुड़ा है, दैट इज एम जी रानाडे. सो एम जी रानाडे वॉज बेसिकली ए लॉयर, तो ये एक लॉयर थे और इनके द्वारा जो है इन्होंने भी इसको ज्वाइन किया था. ठीक है, ऑल राइट. नेक्स्ट अप वी हैव इज देव समाज. मुझे शो नहीं हो रहे, उसको जाना पड़ेगा वहां पे यूट्यूब. कुछ पूछ रहे? ठीक है, सो डोंट वरी, आप अपने कमेंट्स रख दी, लिखते जाइए, आई विल टेक दैट अप. ठीक है, नेक्स्ट अप वी हैव इज द देव समाज. देव समाज का क्या है? पहली बात तो याद रखिएगा ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था. दिस वॉज स्टार्टेड बाय शिव नारायण अग्निहोत्री. सो शिव नारायण अग्निहोत्री ने 1887 में लाहौर में इसकी स्थापना की थी. और इसके बाद ये बेसिकली किसके बारे में बात करता था? ये बेसिकली बात करता था कि हमारी लाइफ में गुरुज का कितना इंपॉर्टेंट काम है. ओके, सो डोंट वरी गाइज, आपका जो लास्ट लेक्चर आई थिंक आपकी जूम क्लास में हुआ था, सो वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, वो हो जाएगा. आप ये वाला करें, ठीक है, आप अभी वाला करें, वो वाला भी रिकॉर्ड करके चढ़ा दिया जाएगा. ठीक है, बट ऑफकोर्स अब वो जो होगा वो रिकॉर्डेड होगा, वो लाइव नहीं होगा. ठीक है, चलो अभी ये कर लेते हैं, फिर वो वाला भी आपका आपको मिल जाएगा, कल वो आपको मिल जाएगा. ठीक है, चलो. सो देव समाज में इट वॉज स्टार्टेड बाई शिव नारायण अग्निहोत्री. और कब किया था इन्होंने स्थापना इसकी? 1887 में किया था. ये बेसिकली किसके बारे में बात करता है? देखो, देव मतलब गुरु, भगवान होते हैं. सो बेसिकली ये गुरु को कंपेयर करते थे भगवान, जैसे कहते हैं ना कि गुरु एक भगवान जैसा होता है. और जैसे कि अब के टाइम पे तो क्या गुरु कोई समझता है किसी को, लेकिन पुराने जैसे कि गुरुकुल्स में क्या होता था, गुरु हमेशा ऊपर बैठता था और बच्चे जमीन पे बैठते थे. इस देव समाज में भी इन्होंने स्ट्रेस इसी चीज पे किया था कि सुप्रीमेसी ऑफ गुरु और उसकी कितनी जरूरत है फॉर योर गुड एक्शन. और इसीलिए क्यों जरूरत है? क्योंकि ताकि आपको पता चले कि व्हाट इज द आइडल सोशल बिहेवियर, जिसके लिए आपको क्या करना है, आपको इंटॉक्सिकेंट्स मतलब पार्टी वार्टी नहीं करने का. ठीक है, सो इंटॉक्सिकेंट्स को अवॉइड करना चाहिए और आपको नॉन वेजिटेरियन फूड, मीट मच्छी मांस वो भी नहीं खाना है, एंड नॉट टू एक्सेप्ट ब्राइब्स. तो आपको घूस भी नहीं खाना है. घूस कहते हैं ना हिंदी में, क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं, ठीक है, रिश्वत भी नहीं खाना है आपको. आपको वेजिटेरियन फूड खाना है और आपको कोई भी इंटॉक्सिकेंट का भी इंटेक नहीं करना है. सो ये बात करते थे आपके देव समाज के बारे में. नेक्स्ट अप वी हैव इज द राधा स्वामी मूवमेंट. सो राधा स्वामी मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाई तुलसीराम. आप बस ये वाले जो मूवमेंट्स हैं ना, इनके आप सिर्फ नाम याद रखें, एंड इफ इट ऑल द हेडक्वार्टर्स आर मेंशन तो आप याद रखें. ज़्यादा डीप में घुसने की इसमें आपको ज़रूरत नहीं है. आपको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आना चाहिए, आता ही है और आना भी चाहिए फॉर योर सोशल रिफॉर्म्स. ठीक है, सो राधा स्वामी मिशन की बात करें, इट वॉज स्टार्टेड बाई अ बैंकर और वो बैंकर का नाम था तुलसी राम. किसने स्टार्ट किया था? इट वॉज स्टार्टेड इन 1861 और इनका जो दूसरा नाम था, ही वॉज ऑल्सो नोन एज दयाल साहेब. और ये किस में बिलीव करते थे? ये बिलीव करते थे कि बिल्कुल जो लोग हैं दे शुड बी प्योर. और ये बिल्कुल वही देव समाज के बारे में बात कर रहे हैं, सुप्रीमेसी ऑफ गुरु. सो यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? देव समाज के बारे में भी बात हो रही है कि गुरु की सुप्रीमेसी सबसे ऊपर है और तभी लोगों में क्या आएगा, एक गुड कंडक्ट आएगा और तभी लोग जो है वो पायस पीपल बनेंगे. और अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो ऑब्वियसली बात है आप में भी अच्छी क्वालिटीज ही आएंगी. ठीक है,
All right. Next up we have is the Indian Social Conference, which was started by M.G. Ranade and Raghunath Rao. So, yaad rakhiyega, it was started by M.G. Ranade and Raghunath Rao in 1887. And the first session, jo Indian Social Conference ka hua tha, wo kahan hua tha? It was held in Madras. So, point number one to remember, M.G. Ranade ka naam ko bilkul bhi nahi bhoolna hai. Next up is कहाँ पे हुआ था इसका फर्स्ट कॉन्फ्रेंस, दैट वाज एट मद्रास. नाउ इसको क्या बोलते थे, इट वाज बेसिकली एक तरीके का एक सोशल आर्म. जैसे अगर आपको याद है जब हमने 1834 में कहा था गांधी जी ने छोड़ दिया था आईएनसी, तो उसके बाद वो सोशल कामों में लग गए थे. ऐसा नहीं है कि गांधी जी के आने के बाद ही सोशल काम हुए हैं, उससे पहले भी आपका ये जो इंडियन ये है कॉन्फ्रेंस है वो भी जो है सोशल काम कर रहा था. सो इट वॉज वॉट, इट वॉज बेसिकली अ सोशल रिफॉर्म आर्म ऑफ INC. सो आपको पूछा जाए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का सोशल आर्म क्या था, तो आपका ये वाला जो है वो सोशल आर्म था. ये बात करते थे इंटर कास्ट मैरिजेस को प्रमोट करो, मतलब कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते थे. सो दिस कॉन्फ्रेंसेस एडवोकेटेड इंटर कास्ट मैरिजेस एंड अपोस्ट पॉलीगेमी. पॉलीगेमी क्या होता है, जब एक आदमी जो है वो नंबर ऑफ औरतों से शादी कर, दैट इज पॉलीगेमी. सो उसको भी अवॉइड करो. इसके साथ व्हाट डिड दे लॉन्च, दे लॉन्च द प्लेज मूवमेंट टू इंस्पायर व्हाट, टू इंस्पायर पीपल टू टेक प्लेज अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, कि बच्चे की जो खासकर लड़कियां उनकी मैरिज जो है वो छोटी उम्र में नहीं करानी चाहिए, और इसीलिए उन्होंने प्लेज उठाई थी कि हम ऐसा जो है वो होने नहीं देंगे. ठीक है, ऑल राइट. नेक्स्ट अप वी हैव इज द अलीगढ़ मूवमेंट विच वॉज स्टार्टेड बाय, वेरी इंपॉर्टेंट, इट वॉज स्टार्टेड बाय सर सैयद अहमद खान. सो ये क्या है, इट वॉज स्टार्टेड बाय सर सैयद अहमद खान इन 1875, और इनके नाम के आगे जो सर लगा है मतलब कि इनको टाइटल दिया गया था नाइटहुड का. ठीक है, जब देखो रविंद्रनाथ टैगोर के आगे हम सर नहीं लगाते, जबकि इनको नाइटहुड का टाइटल मिला था, बट उन्होंने उसको रिनाउंस, उसको खत्म कर दिया था कि मुझे नहीं चाहिए, अपने पास रखो. बट इनके पास जो है वो सर का टाइटल है, और हम इनको आज भी सर सैयद अहमद खान ही बुलाते हैं. नाउ व्हाट डिड दे टॉक अबाउट, दे बेसिकली इन्होंने स्टार्ट किया था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज. कहाँ स्टार्ट किया था, अलीगढ़ में स्टार्ट किया था इन 1875, जिसने आज के टाइम पे किसकी शक्ल ले ली है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल ले ली है. तो याद रखिएगा किसने बनाई थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जब बनी थी तो नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज, अलीगढ़ में बनी थी 1875 में बाय सर सैयद अहमद. ठीक है, नेक्स्ट अप वी हैव इज ही अपोज्ड पर्दा सिस्टम एंड पॉलीगेमी. सो ये किसकी बात करते थे, ये बेसिकली पर्दा सिस्टम और पॉलीगेमी के अगेंस्ट थे. ये जो सर सैयद अहमद खान थे, ये बेसिकली एक तरीके के एलीट, मतलब सभी एलीट ही थे, बट एलीट ग्रुप ऑफ इस ये मुस्लिम्स में से आते थे, और ये बेसिकली बोलते थे कि अगर आप पढ़ाई वढ़ाई नहीं करने वाले ना, तो आप भूल जाओ कि आपका कोई रेलेवेंस रहने वाला है. सो अगर आप एजुकेशन के ऊपर फोकस करोगे तभी आपकी लोग जो है वो बात मानेंगे, और इसीलिए पहला है कि अपने आप को एजुकेट करो और फिर बाकी के काम करो. सो ये बेसिकली बात करते थे, ये स्ट्रेस करते थे ऑन एजुकेशन. ठीक है, इसी के अलावा वेरी इंपॉर्टेंट कि इनके द्वारा व्हाट वाज द मैगजीन जो इनके द्वारा स्टार्ट हुई थी, तो इनके मैगजीन का नाम था तहजीब उल अकलक. सो तहजीब उल अकलक, मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, जो आपका टोन होता है उसमें कुछ अलग होगा, तो पार्डन मी फॉर दैट. सो दैट इज तहजीब उल अकलक वॉज द मैगजीन विच वॉज स्टार्टेड बाई हिम. और ये किस पे फोकस करते थे, ये फोकस करते थे आपका एजुकेशन के ऊपर, कि मुस्लिम्स को भी एजुकेशन लेना ज़रूरी है, तो पर्दा सिस्टम को अवॉइड. देखो जब हम पर्दा की बात करते हैं ना, इसको आप ऐसे मत सोचो कि पर्दा हो गया कि औरतें अपनी ये जो बुरखा होता है उसको उतार दे, ऐसा कुछ नहीं. पर्दा मतलब कि आप घर नहीं बैठो, बाहर आके पढ़ो, दैट इज पर्दा. जैसे गांधी जी के टाइम पे पर्दा औरतों ने छोड़ा था, तो इट इज नॉट कि दुपट्टे उड़ा दिए थे, इट मींस कि आप घर नहीं बैठो, बाहर आओ, काम करो, पढ़ो, एंड देन मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. ठीक है, नेक्स्ट अप वी हैव इज द दियोबंद मूवमेंट, एंड इट वॉज स्टार्टेड इन 1886. कहा हुआ था, आज के टाइम के यूपी में इट वॉज स्टार्टेड. ठीक है, ओके,
किनके द्वारा स्टार्ट हुआ था ये? इट वॉज स्टार्टेड बाय मोहम्मद कासिम नाना औतवी एंड राशिद अहमद गंगोली, इनके द्वारा ये स्टार्ट हुआ था। और ये जो मूवमेंट है इट वॉज अगेंस्ट द अलीगढ़ मूवमेंट जो हमने पीछे किया, ये उसी के ही रिस्पॉन्स में था। वाई? बिकॉज दिस वॉज द ऑर्थोडॉक्स, यहां लिखा गया है? नहीं। सो इट वॉज बेसिकली द ऑर्थोडॉक्स साइड ऑफ मुस्लिम्स, मतलब मुस्लिम्स नहीं कह सकते, मुस्लिम मूवमेंट कह सकते हो। सो ये उसके ऑर्थोडॉक्स वाली साइड था, जबकि जो सर आपके सर सैयद अहमद थे वो थोड़े से किस टाइप के बारे में वो थे, वो कहते थे कि एजुकेशन को प्रमोट करो, पॉलीगेमी खत्म करो, पर्दा सिस्टम खत्म करो, लेकिन उन्हीं के अपोज में ये वाला मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ था। सो बेसिकली ये क्या प्रोपोगेट करेंगे? ये प्रोपोगेट करेंगे कुरान एंड हदीस। सो हदीस, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई एम सॉरी अगर कुछ गलत बोल दूं मैं तो, बट अकॉर्डिंग टू वॉट आई नो इज कि हदीस में बेसिकली यहाँ पे टीचिंग्स हैं, ये टीचिंग्स हैं, यहाँ पे वो बातें बोली गई हैं जो प्रॉफिट मोहम्मद मे पीस बी अपॉन हिम, तो उनके द्वारा जो बातें बोली गई हैं दैट इज हदीस, ठीक है? सो कुरान और हदीस को पढ़ो और जो उसके बारे में लिखा है उसको फॉलो करो। और दे वर अगेंस्ट द फॉरेन रूल, कि हम फॉरेन रूल को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जो आपके सर सैयद अहमद कह रहे हैं हम उनके भी बातों को सपोर्ट नहीं करते। इसके अलावा इन्होंने फतवा भी जो है उनके खिलाफ जो है जारी कर दिया। फतवा एक तरीके का हो गया बैन लगा देना किसी के ऊपर, ठीक है? ओके, नेक्स्ट अप वी हैव इज द अहमदिया मूवमेंट, ठीक है? सो नेक्स्ट अप वी हैव इज द ठीक है नेक्स्ट अप वी हैव इज द अहमदिया मूवमेंट। सो इट वॉज स्टार्टेड व्हेन? इट वॉज बेसिकली स्टार्टेड इन 1889 एंड बाय हुम? बाय मिर्जा गुलाम अहमद। तो इन्हीं के ही नाम पे है आपका अहमदिया मूवमेंट। और ये किसके खिलाफ थे? ये अपोज करते थे आपके जिहाद को, ठीक है? नाउ द अहमदिया कम्युनिटी इज द ओनली इस्लामिक कम्युनिटी To believe that the मसीहा had come in a person, और वो कौन थे? वो मसीहा कौन थे? That was मिर्जा गुलाम अहमद, to end religious war and bloodshed. तो ये जो bloodshed है, ये जो जिहाद के नाम पे है, उन सब को अपोज करते थे। और क्या बिलीव करते थे? ये मानते थे कि the only मसीहा who had come to end this bloodshed was your गुलाम अहमद, मिर्जा गुलाम अहमद, ठीक है जी? All right. So next up we have is the Sikh reform movement. Now यहाँ पे मैं एक बारी पढ़ लूँगी, फिर उसके बाद I will make you write few points. आप उसको लिख लीजिए क्योंकि mostly question उसी के around पूछे जाते हैं। Now if we talk about the Sikh reform movement, the Singh Sabha movement was founded at Amritsar in 1873 with two objectives. Number one objective was to propagate modern Western education in Sikh community. कि Sikh community को भी एजुकेशन की तरफ प्रमोट करो। और कौन सी एजुकेशन जी? वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ प्रमोट करो। इसी के ही साथ ये काउंटर करते थे एक्टिविस्ट, कौन कौन से? आई जस्ट नाउ टोल्ड यू, क्रिश्चियन मिशनरीज एंड आर्य समाजिस्ट एंड आपके मौलवी। सो इन सबको भी काउंटर करते थे, लेकिन इसी के ही साथ ये बोलते थे कि सिख जो है उनको भी क्या करना है, आपके वेस्टर्न एजुकेशन को लेना चाहिए। और फिर वही जैसे आपके सर सैयद कहते थे, बिल्कुल ये भी वही कहते थे कि अगर पढ़ाई करोगे तभी कोई रेलिवेंस है, वरना कोई रेलिवेंस नहीं है। नेक्स्ट जो इसमें लिखा गया है वो ये है दैट द अकाली मूवमेंट वॉज ऑल्सो नोन एज गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट। नाउ याद रखिएगा, ये जो गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट है ना, ये बेसिकली एक एक्ट के जरिए पास हुआ था। और ये जो मूवमेंट है उसके बाद एक एक्ट आया था जिसके चलते जो आपके गुरुद्वाराज है ना, वो पूरे के पूरे इनके द्वारा ही मैनेज होने लगे। मतलब इनिशियली यहाँ पे करप्शन बनना शुरू हो गया, जो गुरुद्वारे में आपके महंत वगैरह काम कर रहे थे, सारे कितने करप्ट। लेकिन जब ये एक्ट जो है पास हुआ, उसके बाद उनके ऊपर आंख रखी गई और फिर वहां से करप्शन को खत्म किया गया। सो सिख रिफॉर्म मूवमेंट का जो सबसे बड़ा रेलिवेंस है वो यही है कि इन्होंने गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट को स्टार्ट किया था, और फिर जितने भी गुरुद्वारास है वो सब के सब इनके अंडर ही आने शुरू हो गए। और क्यों आए? क्योंकि दे वॉन्टेड टू कंट्रोल द करप्ट प्रैक्टिसेस बाय द महंत। सो महंत क्या होते हैं? जैसे आपके मंदिरों में पुजारी होते हैं, वैसे जो वहां के पुजारी होते हैं उनको महंत कहा जाता है। और फिर ये लिखा हुआ है आपके 1922 में सिख गुरुद्वारा अमेंडमेंट एक्ट के चलते
नाउ अब क्या हो गया, जो पूरा का पूरा कंट्रोल था गुरुद्वारा का वो आपके सिख लोगों के अंडर आ गया, ठीक है। और एक नाम जो आपको याद रखना है, जो अभी भी बड़ा फेमस है, दैट इज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी। सो अब किसके अंडर आ गए आपके गुरुद्वारा, गुरुद्वारा आगे आपके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी के अंडर आ गए, अंडर योर सिख गुरुद्वारा अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1922, ठीक है। अब इसमें राइट डाउन फ्यू पॉइंट्स लिखिए। पहला पॉइंट, देखिए, द सिख रिफॉर्म मूवमेंट वॉज डिवाइडेड इंटू टू। ओके ममता, आई विल स्पीक स्लो नाउ, ठीक है, सॉरी, चलो। सो जो सिख रिफॉर्म मूवमेंट की बात करें, याद रखिएगा, इट वॉज डिवाइडेड इंटू टू। एक साइड में थे आपके निरंकारी, कौन थे आपके निरंकारी, और जो दूसरी साइड में थे वो थे आपके नामधारी, ठीक है। सो बेसिकली जब ये दो हिस्सों में बट गया ना आपका सिख रिफॉर्म मूवमेंट, उसके बाद ही आपके ये गुरुद्वारा एक्ट्स आए, तो पहले इन दोनों हिस्सों में बटा था और उसके बाद जो है आपके एक्ट्स वगैरह आए हैं। सो वन इज निरंकारी एंड नेक्स्ट इज नामधारी। जो आपका निरंकारी है, इट वॉज स्टार्टेड बाय बाबा दयाल, सो इट वॉज स्टार्टेड बाय बाबा दयाल। सो बाबा दयाल ने स्टार्ट किया था आपका निरंकारी मूवमेंट, सिख रिफॉर्म मूवमेंट को, ठीक है। और जो आपका नामधारी था, इट वॉज स्टार्टेड बाय बाबा राम सिंह, ठीक है। सो निरंकारी स्टार्टेड बाय बाबा दयाल एंड नामधारी स्टार्टेड बाय बाबा राम सिंह। नाउ ये जो आपके निरंकारी, ये बेसिकली बात करते थे आपके टीचिंग्स ऑफ आदि ग्रंथ, ये उनकी टीचिंग्स को प्रोपोगेट करते थे कि हमारे आदि ग्रंथ में क्या लिखा गया है। सो अगर निरंकारी की बात हो गई, निरंकारी क्या, उसका कोई फॉर्म नहीं होता। अगर आप देखेंगे तो गुरुद्वारे में जाओ तो ऑब्वियसली गुरु नानक देव जी की फोटो लगी होती है, लेकिन ऐसे कोई शेप नहीं दिया उनको, जैसे कि जैसे हमारे हिंदूज में क्या होता है, गणेश है, शिव है, उनका एक फॉर्म है। सो इट इज निरंकारी, इट इज फॉर्मलेस। सो ये बेसिकली प्रोपोगेट करते थे टीचिंग्स ऑफ आदि ग्रंथ, ठीक है, ये प्रमोट करते थे टीचिंग्स ऑफ आदि ग्रंथ, कौन से वाले, निरंकारी, जो बनाया गया था बाबा दयाल सिंह जी के द्वारा। और जो दूसरा साइड है आपका, दैट इज योर नामधारी, ये बेसिकली बात करते थे, ये थोड़े से स्ट्रिक्ट जैसे थे, ये बात करते थे कि आपको मीट मच्छी खाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको इंटॉक्सिकेंट्स भी नहीं लेना है और आपको सफेद कपड़े पहनने हैं। सो वाइट क्लोथ्स पहनो, पहली चीज। नेक्स्ट अप, मीट मच्छी को छोड़ो और क्या करो, आपको इंटॉक्सिकेंट्स को भी छोड़ना है। सो ये थे आपके नामधारी। और अभी भी अगर आप गुरुद्वारे जाएं, गोल्डन टेंपल ऑफ कोर्स, तो वहाँ पर भी आपको दिख जाते हैं, है ना, कितने स्ट्रिक्ट और कितना, मतलब एक अलग सी उनको देख के फीलिंग आती है, इतना यू नो टू बी सो स्ट्रांग एंड टू बी सो कमिटेड टू फॉलो योर रिलीजन आज के टाइम पे, आई थिंक दैट्स ब्रिलियंट, ठीक है। सो निरंकारी एंड नामधारी, ये आगे आपके दो डिविजन्स, ठीक है। और फिर आपको मैंने बताया कि सिंह सभा बनी आपकी लेटर ऑन, और फिर उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक जो है आपका चेंजेस आते रहे, और फाइनली जो है पूरे के पूरे गुरुद्वारों की जो क्या कहते हैं उसको, भाग दौड़ थी, जो काम काज था, इट वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ द सिख पीपल, और अब उसमें गवर्नमेंट जो है कुछ भी नहीं करने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज द थियोसॉफिकल सोसाइटी। नाउ दिस थियोसॉफिकल सोसाइटी भी जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग भी है, और उसको कनेक्ट करने की कोशिश करना। पहली बात तो इसी थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ जो है इंस्पायर्ड थी आपकी एनी बेसेंट। तो कौन थी इंस्पायर्ड, एनी बेसेंट वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय द थियोसॉफिकल सोसाइटी, और थियोसॉफिकल सोसाइटी इन रिटर्न जो है
इंस्पायर्ड थी हमारे इंडियन थॉट्स और कल्चर से, ठीक है। सो हमारे इंडियन थॉट्स और कल्चर से इंस्पायर्ड थी थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिससे आगे इंस्पायर हो गई आपकी एनी बेसेंट। किन के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था? इट वॉज स्टार्टेड बाय मैडम एच पी ब्लावात्स्की एंड कर्नल ऑलकॉट, एच एस ऑलकॉट। कब बनी है ये? आपके 1875 में बनी है, ठीक है। अब जब ये बनी थी तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? द हेडक्वार्टर्स वर एट न्यू यॉर्क यूएसए। और जब ये इंडिया में आएगी तो इसका हेडक्वार्टर बनेगा मद्रास। मद्रास किस जगह पे? अडयार, ठीक है। सो इंडिया में इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? इसका हेडक्वार्टर था अडयार, दैट इज इन मद्रास, ठीक है। अब आप थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करें कि एनी बेसेंट के कहाँ पे था होम रूल लीग का हेडक्वार्टर्स? हेडक्वार्टर्स वर एट मद्रास। तो इसीलिए, क्योंकि ये इंस्पायर्ड थे, इसीलिए उन्होंने भी यहाँ पे अपना हेडक्वार्टर बनाया था। ओके, जब हम होम रूल लीग के बारे में पढ़ रहे थे, सो याद रखना, अगर आपको पूछा जाए कि एनी बेसेंट के साथ कौन से ऐसे आदमी थे जो बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे फॉर द होम रूल लीग, याद रखिएगा, इट वॉज जॉर्ज एरुंडेल। कौन थे वो? जॉर्ज एरुंडेल, ठीक है। ये आप ऐड कर लो वहां पे कि अगर आपको जस्ट इन केस पूछा जाए कि एनी बेसेंट के साथ कौन थे जो एकदम फोरफ्रंट पे आके काम करते थे, और जब एनी बेसेंट चले गए तो उसके बाद जॉर्ज एरुंडेल जो है उन्होंने उनकी भागदौड़ संभाली थी। सो जॉर्ज एरुंडेल वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल विच वर एफिलिएटेड विद द होम रूल लीग ऑफ एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट से इंस्पायर्ड थी आपके थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ, विच वॉज स्टार्टेड इन 1875 बाय आपके कर्नल एच सी ऑलकॉट एंड एच पी ब्लावात्स्की। और इन्होंने अपना पहला हेडक्वार्टर बनाया था न्यूयॉर्क में, और फिर लेटर ऑन जो हेडक्वार्टर बनाया दैट वॉज इन इंडिया, इट वॉज वेयर इट वॉज एट मद्रास और अडयार, ठीक है। एडयार जगह का नाम था, मद्रास तो पूरी की पूरी मैं आपको उस जगह का नाम बता रही हूँ, ठीक है। ऑल राइट, इसी के साथ ये लोग क्या बात करते थे? ये लोग बात करते थे आपका एक्सेप्टेड हिंदू बिलीव्स इन री इनकारनेशन। तो ये बिलीव करते थे कि मरण के बाद का जन्म, सो री इनकारनेशन की जो सोल है इट नेवर डाइज, वो एक के बाद एक जो है वो जन्म लेती रहती है। इसी के साथ ये बिलीव करते थे कर्म के ऊपर। अगर आपको याद है जो हमने पहले रिवाइवलिस्ट रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स पढ़ी, हमने उसमें बोला है कि कर्म के बारे में आपका आर्य समाज बात नहीं करता था, आपका ब्रह्मो समाज बात नहीं करता था, ये लोग बात करते थे आपके कर्म के बारे में कि कर्म सर्वोपरि, कि कर्म सबसे ऊपर है, कर्म अच्छे करोगे तो आगे भी अच्छा ही देखने को मिलेगा। You reap what you sow, right? वही है। And they also believed in yoga. So देखो हमारा योग कब से फेमस है? योगा एंड वेदांता स्कूल। सो वेदांता क्या हो गया? वेदांता बेसिकली टीचिंग्स जो है आपके कल्चर की, उसको वेदांता कॉलेज या स्कूल जो है वो कहा जाता है। और जब आपके कर्नल एच सी ऑलकॉट की डेथ हो गई और फिर हेडक्वार्टर्स जो है वो शिफ्ट हो गए, और शिफ्ट कहाँ हुए? आपके एडयार तमिलनाडु प्रेजेंट डे, और उस टाइम का मद्रास। तो आपको पेपर में तमिलनाडु नहीं आएगा, आपको पेपर में मद्रास पूछा जाएगा, ठीक है। सो तमिलनाडु के आगे मद्रास लिख दो, फाइन। Now, who became the president? Of course, it was Theosophical Society की president बनती है आपकी एनी बेसेंट, और ये she laid the foundation of Central Hindu College in Banaras, जो आज के time पे आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, ठीक है। Okay, next up we have is the lower caste movement. Next is lower caste movement. As the name suggests, ये basically है क्या? ये basically lower caste लोगों के लिए है। Lower caste की बहुत ही बुरी हालत थी, Dalits, untouchables जिनको हम आज के time पे कहते हैं, बहुत बहुत बुरी हालत थी, ठीक है। आज के time पर भी अगर आप news देखें तो इनके साथ कितना कुछ जगहों पे बुरा व्यवहार होता है। सो आप उस time की बात करें जब इतना strict orthodoxy यहाँ पे follow किया जाता था। Now जब हम लोअर कास्ट मूवमेंट की बात करते हैं, दो नाम जो नहीं भूलने चाहिए, दैट इज नंबर वन ज्योतिबा फुले, और इनकी वाइफ दैट इज सावित्री बाई फुले। आपके आगे नोट्स में लिखा है, मैं आपको मार्क करवा दूंगी, ठीक है। सो टू पीपल एफिलिएटेड विद द लोअर कास्ट मूवमेंट इज नंबर वन ज्योतिबा फुले, एंड नंबर टू इज योर सावित्री बाई फुले, ठीक है। सो ये दो नाम जो है वो इसके साथ जुड़े
हुए हैं। अब अगर हम ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले की बात करें, ये दोनों बेसिकली खुद भी अनटचेबल्स थे, अनटचेबल्स या लोअर कास्ट थे, ये बिलोंग करते थे आपकी माली कम्युनिटी को, और उन्होंने ये देखा थ्रू आउट देयर लाइफ की जस्ट फॉर द रीजन कि ये एक अनटचेबल है, इनके साथ कितने ज़्यादा अनजस्ट जो है वो चीज़ें की जाती है। सो बेसिकली इन्होंने स्टार्ट किया था ट्रुथ सीकर्स या फिर सत्य शोधक समाज। सो हु स्टार्टेड सत्य शोधक समाज और द ट्रुथ सीकर, इट वॉज स्टार्टेड बाय ज्योतिबा फुले एंड ही वॉज असिस्टेड और कंपनीड बाय हिज वाइफ थ्रू आउट हिज जर्नी एंड द नेम ऑफ हिज वाइफ वॉज सावित्री बाई फुले। अब अगर आपको पूछा जाए, ये आपके नोट्स में नहीं है, लिख लीजिएगा, अगर आपको पूछा जाए कि इनके द्वारा सिंबल किसको माना गया था, कि व्हाट वाज द सिंबल ऑफ ट्रुथ सीकर्स, सो इट वाज बाली। क्या था जी? बाली। सो बाली वाज टेकन एज द सिंबल फॉर योर सत्यशोधक समाज। अब आप सोचेंगे कि ये बाली क्या है, अगर आपने रामायण देखी है, आई एम श्योर लॉकडाउन के टाइम पे सभी ने देख ली है। सो रामायण में क्या होता है, जब आपने वो देखा है लड़ाई हो जाती है हनुमान जी के सुग्रीव और बाली के बीच में, सो बाली क्या थे, आपके राम के, राम जो लॉर्ड राम है उनके टीम में नहीं थे, वो ऑपोजिट टीम में थे। सो बेसिकली ऑर्थोडॉक्सी दिखाने के लिए कि हम आपके ये चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते, इन्होंने लॉर्ड राम के अगेंस्ट वाला जो है वो ओपोनेंट चूज किया था एंड दैट ओपोनेंट वॉज बाली। सो इसका रेफरेंस क्या है, इसका रेफरेंस आप रामायण से ले सकते हैं कि जब आपके सुग्रीव विच वॉज ब्रदर जो आपके राम के टीम में थे, इसी तरीके से मैं आपको सबसे लेमैन की भाषा में समझा सकती हूँ। सो सुग्रीव थे और बाली के बीच में लड़ाई होगी, सुग्रीव वॉज इन द टीम ऑफ राम जी एंड बाली वॉज अगेंस्ट राम, राइट। सो इसीलिए उन्होंने दिखाने के लिए कि हम हिंदू ऑर्थोडॉक्सी को सपोर्ट नहीं करते, इन्होंने बाली को लिया था एज देयर सिंबल, ठीक है। और ये किस कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, ये खुद एक माली कम्युनिटी जो बेसिकली अनटचेबल्स थे उनको बिलोंग करते थे। इसी के साथ इन्होंने थ्रू आउट देयर लाइफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, इन्होंने अपनी पूरी जवानी जो है वो इसी के ही कामों में लगा दी, दैट इज वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात की, नंबर ऑफ स्कूल्स खोले, इन्होंने अनटचेबिलिटी के खिलाफ आवाज उठाई एंड देयर एम ऑफ द मूवमेंट वॉज सोशल सर्विस नंबर वन एंड नंबर टू इज इम्पार्ट एजुकेशन, कि अगर एजुकेशन होगी लोअर कास्ट में तभी जो है कुछ यू नो बेटरमेंट हो सकती है, ठीक है। मैम कब स्टार्ट, ओके सो दीक्षा आप अभी ज्वाइन कर ले और ये जो लेक्चर है ये रिकॉर्ड भी जाएगा, सो आप वहां से भी देख सकते हैं। सो जस्ट इन केस इफ यू मिस्ड इट, नॉट टू वरी, ठीक है। सो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट वर्क्स बाय योर सत्यशोधक समाज, दैट इज नंबर वन, इन्होंने गुलामगिरी लिखी थी। नाउ गुलामगिरी का रेलिवेंस क्या है ना, बेसिकली ये जो सावित्री बाई फुले और जो इनके हस्बैंड है ज्योतिबा फुले, ये बोलते थे कि जो भी कैलकटा यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं ना लोग, वो बेसिकली दे आर नथिंग बट दे आर अंग्रेज का गुलाम। सो दिस इज गुलामगिरी फॉर द रेलिवेंस, कि ये जो कैलकटा वगैरह से पढ़ के लोग आते हैं वो सिर्फ गुलाम है, तो इसलिए इन्होंने गुलामगिरी जो है वो लिखा था। इसी के साथ इन्होंने सर्वजनिक सत्य धर्मा इन्होंने लिखा था, और इनकी वाइफ जो है सावित्री बाई फुले, शी स्टार्टेड मैनी स्कूल्स फॉर वुमेन, ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव इज द जस्टिस मूवमेंट। सो नेक्स्ट अप क्या है, नेक्स्ट अप वी हैव इज द जस्टिस मूवमेंट। सो जस्टिस मूवमेंट कहाँ स्टार्ट हुई है, जस्टिस मूवमेंट इज स्टार्टेड इन मद्रास, मद्रास में स्टार्ट हुई थी, बाय हु, इट वॉज स्टार्टेड बाय टी एम नायर एंड पी त्याग राजा। सो आपके टी एम नायर एंड त्याग राजा एंड सी एन मधुलायर, उनके द्वारा जो है ये मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था, और ये बात करते थे जस्टिस की, जस्टिस किस चीज में, जे से जस्टिस, जे से जॉब, ठीक है। सो याद रखना, ये बात करते थे कि हमको जॉब जो है वो चाहिए, और सिर्फ जॉब ब्राह्मण्स को क्यों मिलेगा, सो दे वॉन्टेड कि जॉब जो है वो नॉन ब्राह्मण्स को भी मिलना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट अप वी हैव इज द सेल्फ रिस्पेक्ट मोमेंट. अब देखो अब जो बाकी के रहेंगे ना आपके, ये सबके सब आपके बेसिकली अनटचेबल्स और डाउन ट्रोडन के लिए ये काम करेंगे. अब है आपका सेल्फ रिस्पेक्ट मोमेंट. ये बेसिकली सेल्फ रिस्पेक्ट की बात ये हो गई कि ये बात करते थे कि हमने ब्राह्मण्स को इतनी बड़ी पोजीशंस दे के रखी हुई है और ऐसा क्यों है कि अगर ब्राह्मण नहीं आएंगे तो शादियां नहीं हो सकती. सो बेसिकली सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट था कि पोजीशन ऑफ ब्राह्मिक प्रीस्ट, कि हमने ब्राह्मण्स को इतना ऊपर कर दिया और उन्होंने हमको बिल्कुल नीचे गिरा दिया हुआ है. सो इट इज़ टाइम दैट वी अंडरस्टैंड आर सेल्फ रिस्पेक्ट. किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? इट वॉज स्टार्टेड बाय ई.वी. रामस्वामी एंड दिस मूवमेंट रिजेक्टेड और अंडरलाइन द पोजिशन ऑफ ब्राह्मिक प्रीस्ट बाय ऑर्गेनाइजिंग वेडिंग्स विदाउट देम, कि हमको ब्राह्मण की जरूरत नहीं है, हम अपनी शादियां खुद ही करा देंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज टेम्पल एंट्री मूवमेंट. एज द नेम सजेस्ट, टेम्पल में एंट्री हो रही है तो किसके बारे में होगी? ऑब्वियसली डाउन ट्रोडन या अनटचेबल्स के बारे में ही बात होगी. सो इट वॉज स्टार्टेड बाय श्री नारायण गुरु और इन्होंने बात किया था कि टेम्पल एंट्री में, मतलब टेम्पल में एंट्री क्यों नहीं कर सकते अनटचेबल्स? अनटचेबल्स को टेम्पल में एंट्री करना भी अलाउड नहीं था. आप मानेंगे जब महात्मा गांधी जब आपके सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से वापस आए और उन्होंने बी आर अम्बेडकर को बोला था कि हम जो है बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता मैं आपका, कि आप सेपरेट इलेक्ट्रोलेट जो दे रहे हैं यू नो अनटचेबल्स को. गांधी जी ने फास्ट जब अंटिल डेथ कर लिया तब बेसिकली पीपल रियलाइज्ड. ये कब की बात हो रही है? ये आपके देखो कितनी पुरानी बात हो रही है. ठीक है, ये 24 कितने पुरानी है और उससे भी पहले आपका टेम्पल एंट्री मूवमेंट था. सो बेसिकली जब गांधी जी ने आपका आके फास्ट अंटिल डेथ रख लिया देन एक्चुअली पीपल रियलाइज्ड कि हमने यार मतलब ये सच में कोई बुरी चीज है. उससे पहले तो लोग समझते थे कि ये बुरी चीज है भी नहीं. यू नो देर आर सो मेनी क्राइम्स कि लोगों को पता भी नहीं होता है कि दे आर गेटिंग एक्सप्लॉयटेड. और एक्सप्लॉयट का मतलब सिर्फ फिजिकली एक्सप्लॉयट होना नहीं होता है, मेंटली एक्सप्लॉयट भी होना होता है. अगर आपको कोई किसी चीज़ पे रोक लगा रहा है, आपके घर का मैं आपको, आपका कोई फैमिली मेंबर, इफ़ यू हैव अ पार्टनर, आपको वो मेंटली हरास कर रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल डोंट रियलाइज कि यू आर एक्चुअली गेटिंग हरास्ड बाय समबडी. सो इनको भी रियलाइजेशन नहीं था कि कुछ गलत है. इट वॉज आफ्टर गांधी जी फास्ट अंटिल डेथ कि पीपल रियलाइज कि अच्छा यार मतलब ये सच में कोई गलत बात होगी, तभी गांधी जी ने मरने पे आ गए हैं गांधी जी. सो उसके बाद जो है टेम्पल्स के दरवाजे खुल गए थे फॉर द अनटचेबल्स. और आज के टाइम पे नो बडी आस्क कि आप, अब तो खैर है ही नहीं उच्च जाति और नीच जाति, कि आप क्या है, आप ब्राह्मण है, राजपूत है, आप क्या है, कोई भी आपको नहीं पूछता है. ठीक है, सो इसीलिए जब भी हम टेम्पल एंट्री मूवमेंट की बात करेंगे गांधी जी का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है इसमें. ठीक है, सो 1924 में के.वी. केसावा ने लेड किया था वाई कॉम सत्याग्रह विच अगेन डिमांडेड कि ओपन टेम्पल डोर्स फॉर अनटचेबल्स, क्योंकि आधे मानते थे कि अनटचेबल्स आर नॉट सेपरेट, ये कोई अलग नहीं है, ये इन लोगों का ही पार्ट है, दैट इज हिंदूज का ही एक बैकवर्ड पार्ट है. ठीक है, इन 1931 सुब्रमण्यम, इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू इनको भी सर का टाइटल दिया गया था जो इन्होंने रिनाउंस कर दिया था. ठीक है, सो 1931 में सुब्रमण्यम हु वाज आल्सो नोन एज द सिंगिंग स्वॉर्ड ऑफ केरला, उन्होंने भी इससे इंस्पायर होकर जो है टेंपल एंट्री मूवमेंट को स्टार्ट किया था. और किन से ये इंस्पायर हुए थे? ही वॉज इंस्पायर्ड बाय के कलियप्पन. सो सुब्रमण्यम जो है के कलियप्पन से इंस्पायर हुए और उन्होंने भी जो है टेम्पल एंट्री मूवमेंट को लीड किया था. ठीक है, ओके, ऑल राइट. तो हमारा यहाँ पे आपका सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स खत्म होता है, बट आई वॉन्ट टू मेक यू राइट फ्यू पॉइंट्स. ठीक है, सो आप लिखिए, राइट डाउन फ्यू मोर पॉइंट्स. दीप सिंह, जस्ट इन केस अगर आपने देखा नहीं है लेक्चर तो आप स्टार्ट में देखें. आई हैव जस्ट टोल्ड, स्टार्टिंग में बताया कि राजा राम मोहन रॉय का जो टाइटल है इट वॉज गिवन टू हिम बाय अकबर सेकेंड. ठीक है, सो आपने अगर नहीं किया है तो प्लीज़ आप देखें. ठीक है, ऑल राइट, आई विल मेक यू राइट फ्यू पॉइंट्स. आप वो लिखे, राइट डाउन, लिखिए, गोपाल हरि देशमुख
ये आपके कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स हैं जो पूछे जाते हैं पेपर में, सो आप आंसर कर सकते हैं अगर आए तो. सो व्हाट इज इट, इट इज गोपाल, हरी, देशमुख. सो गोपाल हरी देशमुख स्टार्टेड अ वीकली कॉल्ड प्रभाकर, प्रभाकर, ठीक है. सो गोपाल हरी देशमुख ने एक वीकली जो है स्टार्ट किया था, दैट इज प्रभाकर. और इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि इनका पेन नेम क्या था. मतलब जैसे कि अगर आपने फिलोरी मूवी देखी है तो अनुष्का शर्मा यूज टू राइट दैट पोएम्स एंड ऑल, बट किस नाम से लिखती थी, फिलोरी के नाम से लिखती थी. सिमिलरली गोपाल हरी देशमुख वो भी प्रभाकर नाम का वीकली लिखते थे, और किस नाम से लिखते थे, लिखते थे लोकहितवादी, लोकहितवादी, ठीक है. सो अगर पूछा जाए लोकहितवादी किनका नाम है, तो दैट इज गोपाल हरी देशमुख, ठीक है, राइट. चलो नेक्स्ट लिखिए, मैं इसको हटा रही हूं, अगर नहीं लिखा है तो इसको प्लीज पॉज कर लेना, ठीक है. नेक्स्ट अप वी हैव, नेक्स्ट पॉइंट जो आपको लिखना है लिखिए, बाल शास्त्री, बाल शास्त्री जंभेडकर, जंभेकर, सॉरी जंभेकर, ठीक है. सो बाल शास्त्री जंभेकर ठीक है. सो नेक्स्ट क्या है आपका, बाल शास्त्री जंभेकर, आई एम जस्ट ओपनिंग द चैट्स, हाँ ठीक है. सो बाल शास्त्री जंभेकर इनका लिखिए, ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म, ठीक है. सो ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म, हु इज ही, ही इज बाल शास्त्री जंभेकर, ठीक है. अब क्योंकि ये जर्नलिज्म के साथ हमने शब्द जोड़ा है, तो याद रखिएगा जो ये लिखते थे उसका नाम था दर्पण. सो व्हाट डिड ही राइट, ही स्टार्टेड अ न्यूज़पेपर, दैट इज दर्पण, ठीक है. कौन सी लैंग्वेज में, ऑफ कोर्स मराठी है तो मराठी लैंग्वेज में ही होगा, ठीक है. ही स्टार्टेड अ मराठी न्यूज़पेपर कॉल्ड दर्पण, ठीक है. 1832 में, और कहां किया होगा, मराठी है तो बॉम्बे, बॉम्बे में किया था. अब नेक्स्ट लिखिए आप विडो रीमैरिज, कि विडो रीमैरिज के बारे में किन्होंने बात की थी. लिखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विडो रीमैरिज, ईश्वर चंद्र विद्यासागर stood for widow remarriage, stood for widow remarriage, ठीक है. और ये खुद कौन थे, ये बेसिकली एक आपके जो विलियम फोर्ट विलियम कॉलेज है, ये वहां पर काम करते थे, और ये
इन्होंने आवाज उठाई थी विडो री मैरिज के खिलाफ नहीं, विडो री मैरिज के सपोर्ट में। अब सिर्फ सपोर्ट नहीं किया था, इन्होंने अपने बेटे की शादी भी एक विडो से करवाई थी और इन्होंने अपने सामने कुछ 30-35 विडोज की वापस शादियां भी करवाई थी एंड नंबर ऑफ स्कूल्स जो है वो इन्होंने औरतों के लिए जो है वो खोले थे। पॉइंट टू रिमेंबर इज लिखिए 1856 कब आपका 1856 So 1856 विडो री मैरिज एक्ट वॉज पास्ड, या फिर आप लिख सकते हैं कि विडो री मैरिज वॉज लीगलाइज्ड। ठीक है, आज के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं है कि विडो वापस शादी नहीं कर सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो इट इज 1856 में विडो री मैरिज वॉज लीगलाइज्ड। क्वेश्चन हियर टू रिमेंबर इज कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ये काम हुआ था। तो याद रखिएगा ये हुआ था आपके लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। सो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ये हुआ था 1856 में एंड विडो री मैरिज वॉज लीगलाइज। कहीं कहीं पे आप ये मत सोचना कि लॉर्ड डलहौजी लिखा होता है, ये बेसिकली जब विडो री मैरिज की यू नो बात होने लगी तो तब लॉर्ड डलहौजी थे, लेकिन जब ये एक्चुअली में एक्ट पास होकर आया तो उस टाइम पे लॉर्ड कैनिंग थे, इसलिए हम लॉर्ड कैनिंग को ही मानते हैं। ठीक है, ओके। सो यहां से हमारा खत्म होता है, ओके लिख लो 1849 ही ओपन्ड बैतून स्कूल। क्या खोला इन्होंने, इन्हीं का ही 1849 ही ओपन्ड बैतून स्कूल। और ये क्या है स्कूल, इट इज द फर्स्ट वुमेन स्कूल। ठीक है, यहां पे औरतें जो आके पढ़ती थी, सो इट वॉज द फर्स्ट वुमेन स्कूल। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट अप वी हैव, ओके सो दिस यहां पे हमारा खत्म होता है सोशल रिफॉर्म्स। ठीक है, सो हमने जो है सोशल रिफॉर्म्स पे कर लिए और आपको आजादी भी पहुंचा दी। बट आजादी पहुंचने से पहले हम बात करेंगे आपका इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में। किसके बारे में, इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में जो है हम बात करेंगे। कुछ कुछ पॉइंट्स जो है वो आपको याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस न्यूज़ में तो क्या, मतलब उनका बर्थडे है 23rd of January को, सो इसीलिए INA के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इंडियन नेशनल आर्मी, नाउ बेसिकली ये जो इंडियन नेशनल आर्मी है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, बहुत बच्चे कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस, जी नहीं, इट वॉज नॉट स्टार्टेड बाय सुभाष चंद्र बोस, इट वॉज नॉट स्टार्टेड बाय राज बिहारी बोस, इट वॉज स्टार्टेड बाय मोहन सिंह। सो इंडियन नेशनल आर्मी वॉज फॉर्म्ड बाय मोहन सिंह इन सिंगापुर। सो इंडियन नेशनल आर्मी वॉज फॉर्म्ड बाई मोहन बोस इन सिंगापुर। नाउ बेसिकली इंडियन नेशनल आर्मी क्या थे, ये बेसिकली देवर प्रिजनर्स ऑफ वॉर कि जो भी वॉर के टाइम पे दूसरा वाला पार्टी जो है वो अपने प्रिजनर्स ले लेता है, एंड ऑफकोर्स हम लोग तो ब्रिटिशर्स के तरफ से लड़ रहे थे और ये जो आपका जापान जर्मनी आपका ये है ये अगेंस्ट थे, सो उनके पास ऑब्वियसली हमारे प्रिजनर्स होंगे, सो मोहन सिंह ने उनसे हमारे प्रिजनर्स लिए क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। सो यहाँ पे उन्होंने इन प्रिजनर्स ऑफ वॉर की मदद से बनाया आपका इंडियन नेशनल आर्मी। लेकिन इंडियन नेशनल आर्मी ने जो सबसे ज्यादा नाम कमाया, क्योंकि मोहन सिंह और जापानीज के बीच में लड़ाई हो गई थी जब 1942 में आपका क्विट इंडिया मूवमेंट जब लॉन्च हुआ, सो इंडियन नेशनल आर्मी थॉट कि ये बहुत जबरदस्त मौका है हमारा कि हम जो है सपोर्ट करेंगे, दे वर वेरी हैप्पी कि एक क्विट इंडिया मूवमेंट टाइप का जो मूवमेंट है इंडिया में लॉन्च हो गया। सो मोहन सिंह आस्क्ड फॉर सम मोर नंबर ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर, इन्होंने बोला कि मुझे और प्रिजनर्स ऑफ वॉर चाहिए, इनको कुछ 1600 इतने कुछ प्रिजनर्स दिए गए थे, इन्होंने बोला कि मुझे और प्रिजनर्स चाहिए, अब हैंडफुल के साथ जाके तो मैं लड़ूंगा नहीं। तो यहाँ पे जापानीज और मोहन सिंह के बीच में लड़ाई हो गई जिसके चलते जापान वालों ने मोहन सिंह को जेल में डाल दिया था, उनको कैप्चर कर लिया था। ठीक है, सो इंडियन नेशनल आर्मी थोड़ी सी वहाँ पे डिप हो जाती है, लेकिन इंडियन नेशनल आर्मी को जो रिवाइवल मिलता है वो मिलता है जब एंट्री होती है सुभाष चंद्र बोस की।
ठीक है. सो सुभाष चंद्र बोस डिड नॉट स्टार्ट इंडियन नेशनल आर्मी, बट इन्हीं के ही टाइम पे इंडियन नेशनल आर्मी ने अपना लास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ा था. एंड ऑफ कोर्स इन्हीं के टाइम पर ही इंडियन नेशनल आर्मी जो है रिवाइव हुई थी. अगर हम सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो याद रखिएगा 19 इनको जेल में डाल दिया गया था, ये आपको मैंने बताया था. 31 जब 39 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाई थी, उसके बाद INC से अलग हो गए थे, फिर इनको जेल में डाल दिया गया. नाउ जब ये जेल में थे तो इनकी हेल्थ खराब हो गई और जो अंग्रेज थे इन्होंने, ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने बोला कि आप अपने घर पे जाइए और इनको अपने घर पे हाउस अरेस्ट कर दिया. क्या कर दिया? हाउस अरेस्ट कर दिया. जब हाउस अरेस्ट कर दिया, सुभाष चंद्र बोस एस्केप्ड फ्रॉम द हाउस एंड ब्रिटिशर्स हैड नो आइडिया कि वो अपने घर से, क्योंकि पूरा का पूरे घर के आगे जो है इन्होंने लगाया हुआ था कि नजर रखी थी कि ये कहीं भाग ना जाए, इन्होंने अपने घर से उनकी आंखों के नीचे से ही भाग गए और भाग कर चले जाते हैं पेशावर. कहाँ जाते हैं जी? पेशावर चले जाते हैं. और ये जो एस्केप है सुभाष चंद्र बोस का, इट इज कॉल्ड एज द ग्रेट एस्केप. सो ग्रेट एस्केप इज रिलेटेड टू हु? इट इज रिलेटेड टू योर सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि ब्रिटिशर्स हैड नो आइडिया कि सुभाष चंद्र बोस कब अपने घर से उठ के भाग जाते हैं. ठीक है. सो कहा जाते ही गोज टू पेशावर एंड देन ऑफकोर्स ही गोज टू रशिया. उसके बाद जाते हैं ये रशिया, लेकिन जैसे ही रशिया में जाते हैं तो देखते हैं कि रशिया ने तो किसको ज्वाइन कर लिया है? UK को ज्वाइन कर लिया है. और फिर सुभाष चंद्र बोस रशिया छोड़ के जाते हैं आपके जर्मनी. और जर्मनी में कौन है? जर्मनी में था आपका हिटलर. और हिटलर से जाके मिलते हैं और यहां से 1944 में जो 42 में सुभाष चंद्र बोस, तो कब? 1942 में सुभाष चंद्र बोस पूरी की पूरी भागदौड़ जो है इंडियन नेशनल आर्मी की अपने कंधों पे उठा लेते हैं. और फिर यहाँ से जो सफ़र है सुभाष चंद्र बोस का, इट रिमेन्स इम्पेकेबल. और फिर अब वो क्या करेंगे 1944 से लेके 45, क्योंकि 45 में इनकी डेथ हो जाती है, 45 तक ये इंडियन नेशनल आर्मी के साथ ही रहते हैं. सो कहाँ पे बनती है जी? जर्मनी में जब ये जाते हैं, उसके बाद हिटलर से मिलते हैं और फिर ये ऑफकोर्स जाके राज बिहारी बोस से मिलते हैं. और राज बिहारी बोस जिन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाई थी, वो बोलते हैं कि अब से इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अंडर ही आपका INA काम करेगा. और राज बिहारी बोस बोलते हैं कि अब आप सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो आप ले लो इंडियन नेशनल आर्मी की. और यहाँ से सुभाष चंद्र बोस का सफ़र शुरू होता है फॉर इंडियन नेशनल आर्मी. पॉइंट नंबर वन विच यू हैव टू राइट इज इन 1944 INA shifted the headquarters to Rangoon. Rangoon, Myanmar. अगर आपको याद है, आपको मैंने बताया था कि बर्मा को ले लिया गया था 1941-42 के अराउंड, जापान ने कैप्चर कर लिया था आपके रंगून बर्मा वाला एरिया. सो अब INA ने अपने हेडक्वार्टर्स जो है वो रंगून में शिफ्ट कर दिए. और अब यू रिमेंबर आई टोल्ड यू कि अब डर था कि कहीं जापानीज जो हम पे हमला ना कर दे, एक के हाथ से जाएंगे तो दूसरे के हाथ में चले जाएंगे, वो जो पूरी कहानी आपको मैंने बताई थी. ठीक है. सो 1944 में INA अपने हेडक्वार्टर्स जो है वो रंगून में शिफ्ट करते हैं. और सबसे जरूरी बात है, लिखो Bose addressed Gandhi as father of the nation. ठीक है. सो 1944 में आजाद हिंद रेडियो जो बर्लिन में था, वहां पे एक एड्रेस करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी से मांगी अपनी ब्लेसिंग्स कि हमको ब्लेसिंग्स चाहिए फॉर आर लास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ठीक है. सो लास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए इन लोगों ने गांधी जी से जो है अपनी ब्लेसिंग्स मांगी. एंड दिस इज हाउ गांधी जी वॉज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन. तो यहां से गांधी जी का नाम क्या पड़ गया? गांधी जी को अब माना गया एज द फादर ऑफ द नेशन. सो जस्ट इन केस somebody asks यू कि किसने दिया था टाइटल ऑफ फादर ऑफ द नेशन टू महात्मा गांधी, इट इज बोस. और अगर पूछा जाए कि बोस को नेताजी का टाइटल किसने दिया,
सो नेताजी का टाइटल वॉज गिवन टू हिम बाय द पीपल ऑफ जर्मनी, ठीक है? सो बोस को टाइटल दिया था नेताजी का बाय द पीपल ऑफ जर्मनी, और गांधी जी को बोला गया फादर ऑफ द नेशन बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है? सबसे पहले ये अंडमान निकोबार वाले आइलैंड में आते हैं, जहाँ पे शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप है, वहाँ पे पहुँचते हैं और फिर अपना सफ़र जो है नीचे से ऊपर रंगून पहुँचते हैं। लेकिन जब 44 में यहाँ पहुँचते हैं, 1945 में क्या होता है, जापान जो है वो सरेंडर कर देता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द ड्रॉपिंग ऑफ द हिरोशिमा नागासाकी ऑन जापान, जिसके बाद 1945 में जापान जो है वो सरेंडर कर देता है। दिस इज हाउ इंडियन नेशनल आर्मी also surrenders, ठीक है? So 1945 में इंडियन नेशनल आर्मी भी सरेंडर कर देती है, ठीक है? लिखो, अच्छा यहां पे जो सरेंडर लिखा है ना, वहां लिख दो अगस्त 15, 15 अगस्त 1945 में इंडियन नेशनल आर्मी जो है सरेंडर कर देती है, और 18 अगस्त 1945 को बोस की डेथ हो जाती है। कहाँ होती है? ताइपे में बोस की डेथ हो जाती है मिस्टीरियसली, क्योंकि इनकी बॉडी भी नहीं मिली और कैसे मरे कैसे नहीं मरे नोबडी नोज। तो इनकी 18 अगस्त 1945 में ताइपे में एयर क्रैश में इनकी डेथ हो जाती है। ऑफ कोर्स एयर क्रैश हुआ था तो कहाँ से इन्होंने बचना था, एंड दिस इज हाउ सुभाष चंद्र बोस का जो इतना ब्यूटीफुल सफर है वो यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। नाउ याद रखिएगा 23 जनवरी, तेईस जनवरी 2021 को हमने बर्थडे किसका है, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे है, उस दिन हमने फर्स्ट पराक्रम दिवस मनाया है। सो पराक्रम दिवस जो है वो बनाया गया है सुभाष चंद्र बोस के बर्थडे पे, जो आता है 23rd of January 2021। और अगर आप न्यूज़ देख रहे होंगे, सो जो हमारा रिपब्लिक डे है उसकी शुरुआत जो सेलिब्रेशन है वो भी 23 से स्टार्ट होगा। क्यों? ताकि सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे भी जो है वो बीच में आ जाए। सो दिस इज हाउ यू गॉट फ्रीडम। हमने रिफॉर्म मूवमेंट्स पढ़े, इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में पढ़ा। सो इफ़ इट ऑल यू हैव एनी प्रॉब्लम, राइट इन द कॉमेंट सेक्शन, आई टेक इट एंड कीप प्रिपेयरिंग, जितना हो सके सॉल्व योर MCQs, एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।